कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकों को आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, अरे बैठिए आप। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है, अरे बैठिए आप। मैडम आप, मैं ये देखिए, मैंने तो आप वो बोल रहा कुछ नहीं चुपट पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है। अरे मैं देखा हूँ यहाँ पर दिल्ली में क्या करते हैं, वहाँ कर्नाटक के गली में आके क्या करते हैं, मुझे मालूम। ऐसा हो तो हम भी वही आवाज उठाएंगे, तुम्हारी आवाज को बंद कर। माननीय सदस्यों, मैं माननीय विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सदन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करना चाहता। मैं ये सोच के आया था कि आपकी तरफ से कुछ भाषण होगा और उसके बाद में हम सब लोगों को आप रिहा करेंगे, आज ऐसी सोच मेरी थी, वो गलत हो गया। लेकिन एक बात तो है, आज भारत के प्रधानमंत्री जी, पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी बहुत लंबित भाषण 2-3 आज उनके हो गए। एक तो पार्लियामेंट में हो गया, एक तो जॉइंट वहाँ पर सेंट्रल हॉल में, अब फिर यहाँ पर। तो उन्होंने जो कुछ कहा, एक बात तो वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूँ कि वुमन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। लेकिन ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी, शेड्यूल कास्ट तो ईजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 ईजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर वो अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं, हमेशा लेडीज़ के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज़ में, शेड्यूल कास्ट लेडीज़ में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी, साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमज़ोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है
शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है, मैंने तो वो बोल रहा कुछ नहीं कुछ। Honorable members, honorable members, Mr. Pramod Tiwari has a point of order. Please sit down. Please, please, Mr. Tiwari has a point of order. Mr. Tiwari, under which rule? Sir, agar sadan rule? Ke samne koi cheez ho, mercy. सदन के Please सामने कोई चीज हो, you are raising point of order. सदन के सामने कोई चीज हो तो नहीं, under which rule? जब जब लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हुए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमने मिस्टर खड़गे ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज प्लीज ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन सर वो मुझे समझ में नहीं आता वो क्या समझे क्या समझ के ये विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं वो मुंह नहीं खोलना उस पार्टी में बात भी नहीं करना ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूँ सब पार्टी बोला मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप मेरा आप मैं ये देखिए अरे अरे है सभी पार्टी हिंदुस्तान के हर पार्टी में इसे है इसीलिए महिलाएं पीछे हैं। आप उनको बात करने नहीं देते उनके हकों को आप कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते One second. Please, honorable members, one second. I'll come to you. Please, honorable finance minister. Honorable finance minister. Sir, I'm sorry. I respect the. Excuse me. Please. Sir, we respect the leader of the opposition, but to make a sweeping statement. That all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him Please. Making a sweeping generalization of all parties. Leader of the opposition, please. ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है। ये हम बोल रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? आई एम सॉरी ऑपोजिशन लीडर कैन नॉट प्लीज इंसल्ट पीपल लाइक दिस कैन नॉट ड्रॉ डिफरेंशिएशन बिटवीन वुमेन महिला के भेद में No way. How can you draw difference between one woman and another woman? We are asking for reservation for all women. Rashtrapati is a tribal woman. Please. Unacceptable. Please take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat.
one second, take your seat. Honorable members, what is being discussed is historic, epochal, justice to half of humanity, something which the people awaited for decades. Several efforts had been made, as the Honorable Prime Minister indicated. Honorable Kharge ji was saying something to which an exception has been taken. One second. Honorable members, I expect is unanimity, affirmative step, total support to this historic step which is being taken belatedly. Mr. Tiwari, imagine women of this country in all categories are waiting for it. They look up to us. We are the upper house. We are the house of elders. If we don't come to support such an affirmative legislation, all right. So I give the floor. Leader of the, no one else, leader of the opposition. No one, nothing will go on record. Leader of the opposition, please go ahead. Sir, thank you. And sir, I'll urge you. मेरा कहना यही है. सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ. इस बिल का तो मैं स्वागत करता हूँ. एक सेकंड, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ. ये मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है. पूरी दुनिया की नजर है. 50% ह्यूमैनिटी के साथ न्याय हो रहा है. कई प्रयास हुए, लंबे समय से प्रयास हुए. अब अपने को वी हैव टू फ्रक्टिफाई. लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन. मैं वही बात बोल रहा हूं और इसके समर्थन में हम भी पहले काम किए. 2010 में इसको तैयार करने में पूरी कोशिश. सुने सर, ऐसा हो तो हम भी वही आवाज उठाएंगे, तुम्हारी आवाज को बंद कर देंगे. सर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द टेम्पल ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज सैक्रेड एंड परमानेंट. हाउएवर, एज वी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा चेंबर इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, दिस ओकेजन मार्क्स ए न्यू बिगिनिंग एज फार एज venue of our deliberations are concerned. It is my fond hope that we have fruitful discussion on all matters of public interest and considered deliberations on bills. I also hope that in the times to come, the fraternity among parliamentarians cutting across the party lines is re-established in order to create a congenial atmosphere and constructive exchange of ideas among lawmakers. The need of the nation is that we parliamentarians live up to the people's expectation in addressing their concern. Sir, main yahi koshish kar raha tha, jinko jo is हम जो कानून बनाते हैं उन कानूनों का लाभ गरीब से गरीब को मिलना, महिलाओं को मिलना, लेकिन मैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन बीच में किसी ने बोलकर इस वातावरण को खराब कर दिया. ठीक है, और एक मुद्दा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी भारतीय डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर को हमने बहुत मजबूती दी, लेकिन सभी का कहना है, आप किसी से भी पूछो कि आपके नेतृत्व में फेडरल स्ट्रक्चर दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है.
कम से कम कमजोर होते हैं और जो ऑनरेबल पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर सर ऑनरेबल मेंबर्स सर आई बिफोर वन सेकेंड आई अपील टू यू ऑल दिस इज अ हिस्टोरिक डे एंड वी मस्ट वर्क विद कॉन्जिनियलिटी कोऑपरेशन कॉन्शियसियल अप्रोच प्लाजो से सर माई ओनली रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड इज सर वैन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पोक इन द बोथ द हाउस एंड इवन टूडे मॉर्निंग इन द सेंट्रल हॉल द प्राइम मिनिस्टर स्पोक टोटली अपोलिटिकल ही नरेटेड द सर ही एंटायरली नरेटेड द टूडेज सिचुएशन एंड नेवर ही अलेज्ड अगेंस्ट एनीथिंग एंड इट वॉज very unbiased balanced speech sir at least on the day, first day sir on the first day at least we can expect from the leader of the opposition that he is a very experienced person sir he is an experienced leader he was 8-time MLA let him speak as a statesman sir that is what we expect from him sir खड़गे जी अरे चुप बैठो खड़गे जी प्रहलाद जोशी जी तो आपके प्रांत के हैं उनकी बात को मानिए क्या देखिए हिज एक्सपेक्टेशन इज यू एक्ट लाइक अ स्टेट्समैन इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं अरे मैं देखा हूँ यहाँ पर दिल्ली में क्या करते हैं वहाँ कर्नाटक के गली में आके क्या करते हैं मुझे मालूम वो सब मालूम है मुझे मैं ये मेरे जुबान से बात नहीं है नहीं मेरी जबान से बात नहीं है खड़गे जी प्राइम मिनिस्टर खड़गे जी नहीं अपने भाषण में कहे नहीं आज दो विचित्र बात हुई आपने एक सेकंड जरा प्लीज आपने कहा इस सदन में और मैंने आपको कहा आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कम वक्तव्य दिए हैं ये आपने कहा और आपने कहा कि फॉर्मल दिए हैं प्रेसिडेंट एड्रेस पर अदरवाइज अब आज ज्यादा दे दिए तो भी आपको आपत्ति होगी जयराम ही डजंट नीड योर सपोर्ट ही लीडर ऑफ द अपोजिशन डोंट डाउन साइज द लीडर ऑफ अपोजिशन गो एट सर नो वन विल स्पीक सर मैं ये मेरे जबान से नहीं आया मैं लिख लिया हूं जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे किस किस पॉइंट पे बोल रहे थे वो इस कागज पे लिख के बोल रहा हूँ अगर ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में या फेडरलिज्म के बारे में अगर वो बात नहीं किए अगर वो कहे तो मैं विड्रॉ कर लेता देखो अरे मजबूत करने इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ आप मजबूत करने की बात किए लेकिन एक एक गवर्नमेंट को ऐसा गिरा दिए हर गवर्नमेंट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिरा दिए कर्नाटक गवर्नमेंट को गिरा दिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को गिरा दिए मिस्टर धर्मेंद्र पूरे गवर्नमेंट को नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आदरणीय खड़गे मिस्टर प्रधान आदरणीय नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बड़े उदारता के साथ कहे कि आज जिस प्रकार के हमने शुरुआत कर रहे हैं एक स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए प्रधानमंत्री जी ने कॉम्पिटेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कहा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सर 2014 में मई महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लिए तब 14 फाइनेंस कमीशन के निर्णय उनके सामने आया 14 फाइनेंस कमीशन बनी थी पिछले सरकारों में सर 10% की क्वांटम जंप उन्होंने देखा नहीं किस राज्य ने उनको वोट दिया या किसी ने नहीं दिया नहीं देखा सर हमें ये क्या कहते हैं वर्षों तक इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दिल्ली में शासन किया कैसे राज्यों को शासन कर रहे थे मैं सर आसाम का उदाहरण देना चाहूंगा सर कैसे चाहिए शासन कर रहे थे यह तो सर ये क्या है ओनली लीडर ऑफ द अपोजिशन नाउ ओनली लीडर ऑफ द अपोजिशन टेक योर सीट टेक योर सर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मैं जब बात करता हूँ अगर वो गलत है तो बाद में उठ के बात कर सकते हैं
वो हमें यहाँ पर कंपटीशन चलती है, कंपटीशन इस बात की चलती है। आप मुद्दे पर आइए। नहीं नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो ये कंपटीशन बढ़ता है। मैं सपोर्ट करूंगा, तुम सब जरा होशियार रहिए साहब, कौन आपके पीछे सपोर्ट करते हैं, कौन आपके सामने बात करते हैं, इसका थोड़ा आप ख्याल कर लीजिए। ऐसा खड़गे जी, सर ये खड़गे जी विषय पर रहिए वरना बात दूर तक जाएगी, इतनी दूर तक जाएगी कि वापस नहीं आएगी। कौन नेता आता है, कितना प्रभावित होता है, सदस्यगण कितना बोलते हैं, ये सबको पता है। तो प्लीज ऑन द सब्जेक्ट सर, ये जो है बहुत से स्टेट में कमजोर उनको किया जा रहा है। एक तो GST जल्दी उनको मिलती नहीं, मनरेगा का अमाउंट टाइमली नहीं जाता, और उनके जो समस्याएं हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, उनको जो ग्रांट टाइमली मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अगर वो नहीं मिला तो क्या आप फेडरल स्टेट्स को, जो स्टेट्स हैं उनको कमजोर किए जैसा होता क्या मजबूत किए जैसा होता, आप ही बोली। तो ये, और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ साहब, आप डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हो, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अनुसार चलना चाहते हो, और आप लोकतंत्र के बातों के लिए इतने हैं कि हमने यही किया, हमने उसको मजबूत किया, ये सब कहते हो, लेकिन जहां जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड MLA थे, गवर्नमेंट थे, उनको गिराने का काम आप ही किया। आप विषय से अलग बट रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, आई एक्सपेक्ट यू टू प्लीज कंफर्म क्या है सर इश्यू। देखो ये वेरी सीरियस रिफ्लेक्शन कंसर्निंग दी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री, लेट अस रिस्पोंड। कम ऑन प्लीज गो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑपर्चुनिटी। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट। फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय द ऑपोजिशन लीडर। GST समय पर नहीं मिलता, एकदम गलत। आई इवन बोरोड मनी एंड पेड द स्टेट्स at least 1 or 2 months in advance each time. 3 times we paid in advance. There is no money pending for any state on GST. No delayed payments on GST. I will give you complete data. I'm sorry. And if the states don't give the... Both the Honorable Leader of the Opposition and Honorable Finance Minister will put the documents on record, yes, substantiating their stand. Either side. I provide the record, sir. During course of the day. States don't give the utilization certificate. We cannot allow Parliament. It is no, we cannot have free fall of information. To blame like this. This statement has been categorically contradicted. Both of them are senior functionaries. They are called upon to put documentation on the table of the House during course of the day. Please, go ahead. टफ ऑर्डर पर रोका गया है, ये गलत है। LOP की एक मर्यादा है, मर्यादा को खत्म किया जाए। अब देखिए अध्यक्ष महोदय, अगर आप डॉक्यूमेंट दो बोलेंगे पूरे मैं CAG के रिपोर्ट्स के, और हमारे स्टेट हर स्टेट को जो ग्रांट जाना था वो सब के कलेक्ट करके फिर बाद में आपको दूंगा। नहीं, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, यू हैव कैटेगोरिकली स्टेटेड, categorically stated that as on date GST payments are pending, therefore no CAG. Yes,
Put that document on record. It's a serious issue. And the Honorable Finance Minister would also do the same during the course of the day. Sir, but because the leader of the opposition stated so authoritatively, he should have the document in his hand. Without that, how did he say? Please conclude, sir. Conclude. ये मेरे this is chairman this is the first day let us chairman sir let us set a good example please sir come on ये obstruction मेरे लिए क्यों होता समझ में नहीं आया और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल रहे उधर जरा बैठो होंगे प्राइम मिनिस्टर भी सुन रहे मजा ले रहे हैं लेकिन मेरे लिए डिफेंड भी नहीं कर रहे उधर सर सर अब इतना प्रेम भाव जब है तो कंक्लूड कीजिए अच्छा रहेगा सर दिस इज नॉट द वे टू शाउट नो नो डोंट गेट इन टू दिस हैबिट डोंट गेट इन टू दिस हैबिट डोंट गेट इन टू दिस हैबिट यू डू इट रिपीटेडली Nasir, you also do it repeatedly. Don't do it. Don't do it. Come on. Sir. Kadgeji, can you have some control over your people? My people? They are disturbing you when you are speaking. Sir, my people are under control. But Prime Minister is not controlling their people. Yes, please conclude. Please sir. Conclude. दो ये तो मैं कह रहा हूँ ये सब स्टेट की हालत यही है और वो स्टेट वालों को अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे आंध्रा हो चाहे अपना महाराष्ट्र हो जो पंजाब कोई भी किसको कर्नाटका आप मध्य प्रदेश को राजस्थान को पूछो सबको छत्तीसगढ़ को पूछो सर नहीं सुनिए आप वो सब अपने अपने पूछेंगे भाई महाराष्ट्र बोले तो आप है इसलिए बोल रहे क्या ठीक है फिर अगर आप डायरेक्टली जाके उनके खजाना से खड़गे जी बैग में डाल के उठा लेके खड़गे जी खड़गे जी नो डायरेक्ट टॉक आई एम हियर आई एम ऑलवेज लुकिंग एट यू बट माय डिफिकल्टी इज दैट एंड व्हेन यू लुक एट यू आर लुकिंग व्हेनेवर यू लुक एट मी आई स्माइल एट यू देन मी नो नो व्हेनेवर यू लुक एट मी आई स्माइल एट यू अच्छा गुड सर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना यस थैंक यू और इस बात को आप ध्यान में रखना चाहिए और खासकर प्रधानमंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे मुझे विश्वास है क्योंकि नया बिल्डिंग है बहुत से कमियां भी है अभी वो ठीक हो जाएंगे आपके नेतृत्व में लेकिन बढ़िया बिल्डिंग में पहली बार है मैं बहुत ज़्यादा समय लेके कुछ बोलना नहीं चाहता शांति के साथ सुबह हुआ अभी भी हो रहा है होने दो तो इसको मैं कोऑपरेट करूंगा लेकिन एक बात बोलूंगा वो जरूर सुनना चाहिए तो ये जरा छोड़ना चाहिए तेरा भी मेरा तो है ही है दोनों तेरा मेरा बोल के सभी चीज़ें अपने ही झोली में अगर डाल लेते गए और पीछे जो हुआ उसको भूल जाते हैं तो ये अच्छा नहीं है तो कम से कम इसको रिया न तेरा न मेरा हमारा यही हो रहा है ठीक है सर बी आर अम्बेडकर ने और 25 नवंबर 1949 में एक बात कही थी विल इंडियंस प्लेस द कंट्री अबोव देयर क्रीड विल इंडियंस प्लेस द कंट्री अबोव देयर क्रीड और will they place creed above country I do not know but this much is certain that if the parties place creed above country if parties place creed above country our independence will be put in jeopardy and second time and probably be lost forever agar hum क्रीड यानी पार्टी के ऊपर रखेंगे
स्टेट का इंटरेस्ट कंट्री का इंटरेस्ट छोड़ के अगर ऐसा करते गए तो कोई देश ज्यादा दिन आजादी नहीं पा सकता, ये उनका कहना है। और दिस इवेंचुअलिटी वी मस्ट ऑल रिजोल्वली गार्ड अगेंस्ट, वी मस्ट बी डिटरमाइंड टू डिफेंड आवर इंडिपेंडेंस विद द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड। This is the saying of Dr. Babasaheb Ambedkar, in spite of so many obstruction at that time also. ये हर आदमी चाहता है अपने देश की इज्जत बचे बढ़े और देश को मजबूत करे, लेकिन चंद लोग गुत्ता लेते हैं, उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट है, देशभक्ति उनकी कॉन्ट्रैक्ट है और बोलना उनका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन आप ये भी देखिए, जो समाज में दूसरे लोग भी रहते हैं, ऐसे लोग भी देश के लिए लड़ते हैं और आखिरी दम तक, आखिरी खून का खतरे तक देश को बचाने के लिए, लड़ने के लिए सभी तैयार हैं और हम भी उसमें से हैं, हम भी उसमें से हैं। देर इज अ ग्रेट डेंजर ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग, देर इज अ ग्रेट डेंजर ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग। Times are fast changing. People, including our own, are being moved by new ideologies. They are getting tired of government by the people. They are prepared to have government for the people and are indifferent whether it is government of the people and by the people. ये जो है कहना, उस वक्त भी ऐसे समय आए, लेकिन देश के लिए सभी एक होकर ऐसी बातें उस वक्त आई, तो इसको हम एक होकर देश के अच्छाई के लिए, या वुमेन रिजर्वेशन हो या SC ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो या कोई चीज़, हम मिलके सबको विश्वास में लेके करेंगे। तो हर चीज़ को अगर मैं करूँ, मैं ही करा, दूसरे कुछ भी नहीं करे, ये ठीक नहीं रहता। तो एनीवे, एक बात कह के मैं ख़त्म कर रहा हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूं। सर, ये भी कोर्ट डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ही है। हाउएवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इफ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट आर नॉट गुड, इट विल प्रूव टू बी बैड। साहब और एक बार पढ़ो, हाउएवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इफ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those who implementing it are good, it will prove to be good. अरे ये तो आपके लिए, हम सबके लिए कहा सो है, आप तो उस वक्त नहीं थे ना भाई, एग्जिस्टेंस में क्यों ले रहे हैं? नहीं, आप पाप बिचारे वो कहाँ से था, उस वक्त तो नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाते वक्त सिर्फ एक दो चार इम्पॉर्टेंट लीडर छोड़ के, बाकी का इनका हिस्सा ही नहीं उसमें, छोड़ दीजिए। इसलिए मैं आपसे विनंती करता हूँ, हमको जो कहना है कहने दो, उसका उत्तर तो देंगे। प्राइम मिनिस्टर इतने मजबूत है, एक एक घंटा, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे बोलेंगे और हर दिन बोलेंगे, लेकिन मणिपुर में नहीं बोलेंगे। तो वो कैसा पूछा, प्लीज प्लीज नहीं खड़गे जी, प्लीज सर, आई एक्सपेक्ट उनके लेवल एट यू, अरे आई एक्सपेक्ट, प्लीज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, उनको नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। इस सदन के अंदर मैंने अथक प्रयास किया, मैंने ये कहा कि आधी रात तक बहस कराऊंगा, आपने मौके को अवेल नहीं किया। लगातार मैंने आपको अनुरोध किया, नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया। सर ऐसा मत कीजिए, ठीक है, देखो मुझे कहेंगे प्लीज, मेरा प्लीज, हक होता है, लेकिन मेरा हक होता है। अरे मैं वही रिप्लाई, मैंने आंखों से देखा है, गोयल जी मुझे पीड़ा हुई है, मुझे परेशानी हुई है, कई चीजें अगर पहले ही होती, प्लीज ये नौबत नहीं आती। थैंक यू खड़गे जी, उसी वक्त मैं जवाब देने वाला था, हम बहुत से जो करने वाले, लेकिन
मैं वो ओकेजन नहीं समझा। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहे उसके जवाब में मैं अपने चार शब्द रखा हूँ। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो बात और है, लेकिन हम सब मिलके काम करना है। अगर मिलके काम नहीं करेंगे देश का उद्धार होने वाला नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू मीट एट 11 AM टुमारो वेंसडे द 20th सितंबर 2023।